तेलंगाना राज्य सरकार ने कुल रुपए की ऋण माफी की घोषणा की है। किसान बचेगा तो देश बचेगा की अवधारणा पर तेलंगाना राज्य सरकार ने किसानों का 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हालांकि तेलंगाना राज्य का गठन केवल 9 साल पहले ही हुआ था, लेकिन इस नवगठित राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कृषि के लिए एक नई नीति की घोषणा इस आधार पर की कि किसान देश की रीढ़ है और अगर किसान रहेंगे तो देश बचेगा। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, सिंचाई के लिए प्रचुर पानी, प्री सीजन बुआई के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की गैर वापसी योग्य सहायता, किसानों के लिए 5,00,000 रुपए का बीमा, धान की खरीदी की गारंटी, किसानों को 24 घंटे में अनाज का भुगतान, 90% सब्सिडी पर कृषि सामग्री और उपकरण, किसान की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता जैसी बड़ी मदद देने के बावजूद आखिरकार किसान दिन रात संघर्ष कर रहा है, आज भी हाशिए पर है। इसलिए राज्य सरकार की मदद के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकते। इस अहम मामले को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों का कर्ज माफ करने का अहम फैसला लेते हुए सरसरी तौर पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। आमच्या ग्राउंड वर ऍक्टिव्हिटीज होत्या, मी अभिमानान तुम्हाला सांगितलं पाहिजे, माझ्या स्वतःच्या जिल्ह्यामध्ये 52,000 ऑनलाईन सदस्य नोंदणी झालेली आहे। आणि आमची ऑनलाईन सदस्य नोंदणी नुसती लिंक पाठवल्यानं होत नाही, लाईव्ह होते। लाईव्ह टार्गेट तुम्हाला दिला का? मला टार्गेट दिला होता एका विधानसभेत 25,000 सदस्य, ज्या माझ्या स्वतःच्या विधानसभेत 27,000 रजिस्ट्रेशन झाल्या आहेत आणि माझ्या पूर्ण विधानसभेत कमिट्या तयार झाल्या आहेत। तशा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कमिट्या सुरू आहेत। काही ठिकाणी आम्ही कमी पडलो, त्या ठिकाणी त्यासाठी आम्हाला पक्षाने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे। महिन्याभरामध्ये पूर्ण पूर्व विदर्भातल्या 6 जिल्ह्यामध्ये आमच्या गावागावात कमिट्या तयार होतील आणि त्याच्यानंतर आम्ही कमिट्यांचे अभ्यास वर्ग घेतल्यावर तालुक्याच्या कार्यकारण्या जाहीर करू, शहराच्या कार्यकारण्या जाहीर करू आणि त्यानंतर जिल्ह्याची कार्यकारणी होऊन प्रदेशाची कार्यकारणी होईल। आज मी जरी पूर्व विदर्भाच्या समन्वयक असलो तरी माझी पोस्ट ही तात्पुरती आहे, मला न्याय द्यायचा पूर्व विदर्भाला। बीआरएस पूर्व विदर्भ समन्वयक पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेलंगाना सरकार किसानों के लिए ऐसे सभी फैसले ले सकती है और लिए गए फैसले तुरंत लागू किए जाते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार उस फैसले की घोषणा के 8 साल बाद भी उसे लागू क्यों नहीं कर रही है। ये भी आरोप है कि ये अधीनस्थ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। एनबीसी न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।